आरा को चौमुखी विकास के रास्ते पर ले जाने के साथ साथ आज आरा विधायक अनवर आलम ने पूर्व के विधायकों पर तीखा कटाक्ष किया है। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत पीसीसी कार्य गली नाली योजना का उद्घाटन वार्ड नंबर 33 के चिकटोली मोहल्ले और वलीगंज मोहल्ले में आरा सदर विधायक नवाज आलम और अनवर आलम ने किया। साथ ही साथ वार्ड नंबर 33 के ही रामगढ़िया स्थित कब्रिस्तान के पास 1,20,500 की लागत से बने चबूतरे का उद्घाटन भी अनवर आलम के द्वारा किया गया। जो चार आदमी मान लिया कि आप लोग जैसे लोग पहल, लेकिन हम बहुत से ऐसी जगह अपने हम आदमी भेज के चेक करा रहे हैं। ये वाला बात तो बता नहीं कांतू कांतू भी है कांतू 5 फीट है बोले पाँच फीट कांतू बुला लो हमको लगता है कि हम लोग की भी 30 साल की राजनीतिक जीवन है। हम जहाँ जहाँ वैसे जगह का रोड गली का निर्माण कर रहे हैं, चाहे वैसी जगह जहाँ लगभग 20-25 सालों से जो उपेक्षित रहा है, जहाँ लोग तरसते रहे कि मेरे इलाके में भी कम से कम एक विधायक आता, मेरे इलाके में कम से कम एक पक्का रोड बनता, नली बनती, जो शहर का एक मैंने समझिए कि हार्ट ऑफ द टाउन में ये सब इलाका है, जो पुरानी आबादी है, नए नए जो मोहल्ले बसे आप जाइए चकाचक नजर आएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि चाहे रामगढ़िया हो, वलीगंज हो, दूधकटोरा है, तमाम इलाकों को उठा लीजिए, इंटायर इलाका के ये हालत है कि वो चलने लायक नहीं है, घूमने लायक नहीं है, उनके यहाँ लाइट नहीं है, उनके यहाँ पोल नहीं था। हमने तहैया किया है, अभी तो हम लोग 1.5-2 साल से काम कर रहे हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमने वंचित इलाका जो रहा है वहां 75 KV का ट्रांसफार्मर था, वो उसको ट्रांसफार्मर को बदलवा के 200 KV करा है। आप दलित टोले में चले जाइए अलीपुर में, हमको ये जगह कि आप उसका सर्वे कर लीजिए, सरनापर की बात कर रहे हैं, कड़ाड़ी पंचायत में चले जाइए जो है ना, दलित टोला जो है कड़ाड़ी है, वहाँ लाइट देखने के लिए लोग तरस रहते। ये नाइंसाफी हुई है, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक समुदाय के साथ इस तरह की नाइंसाफी, उसको हमने तमाम अपने अवसर को कह दिया कि अगर उस इलाके में ऐसे तो करीब करीब पूरा करने का काम किया। अब बताइए एसबी कॉलेज था, एसबी कॉलेज के बगल में चकाचक, और उसी में बगल में ज्यादा दलित गरीब लोगों के बीच में पोल पर जो है ना, लकड़ी के पोल पर लाइट चल रहा था। हमको बदलिएगा कि नहीं, तो आपको जेल भेजवाएंगे सिक्योरिटी इंजीनियर साहब, अगर एक भी हादसा हुआ तो छोड़ेंगे नहीं। आज वो बदल गया, उसी तरह से जो है आपको चले जाइए सरौना पर, वो बदला, यहाँ भी जो है पोल गिरा हुआ है, आप जाके देखिए चिट्टोली के सामने वो पोल गिरा हुआ है, वो गरीब आदमी, वो सब आदमी मर जाएगा, तो इसका कौन दोषी होगा? हु इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये प्रशासन का जिम्मेवारी बनता था। हमने जो अपना दायित्व है गरीब लोगों के बीच में, जो मेरी योजना है, अभी तो 4-5 महीने से हमको योजना रोड गली का मिला, अगर ये 2 साल से होता तो एक भी आरा का वंचित और गरीब लोग, जहां पर उपेक्षित लोग था, वो बचता नहीं। इसलिए जिंदाबाद। आपको बता दें 4 महीने का ही वहीं से आंकड़ा लीजिएगा, चाहे आपको छठ घाट का मामला हो, छठ घाट हमने बनाया है, जरूर बनाया है, बड़े बड़े जगहों पर नहीं बनाया है, बनाया है जो है, चले जाइए आप यहाँ पर बहिरों के लख पर, जहाँ पासवान समाज के लोग जो है जमीन में जो है इसी तरह बैठ के जो है अपना छठ घाट मनाते थे, और छठ जैसा महापर्व मनाते थे, वहाँ छठ घाट बना है। आप चले जाइए छोटकी सनदिया, वहाँ जो है छठ घाट बनाया है, अभी पिरौटा जो है दलित के मोहल्ले में छठ घाट बनाया है, वैसे जगह को चुनने का काम किया है। इसलिए कि जो जनप्रतिनिधि होता है, और हम जिस मजहब को मानने वाले हैं, उसमें इंसाफ प्रस्ती जो है हम लोगों का जो है, प्रोफेट मोहम्मद जो है साहब ने हम लोग को बताया है कि एक पड़ोसी है, चाहे वो किसी बिरादरी किसी मजहब का मानने वाला हो, अगर वो भूखा है तो उसके साथ इंसाफ होनी चाहिए, वो इंसाफ
हम एक जनप्रतिनिधि के नाते करना चाहते हैं और इंसाफ हम जो है जानते हैं कि वो काम कैसे होगा, इसलिए हम पैनी निगाह अपने रखते हैं और एक एक आदमी को मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं। हम कोई योजना देते हैं तो किसी के भरोसे नहीं छोड़ते हैं, हम खुद मॉनिटरिंग करते हैं, खुद जो है पदाधिकारियों से सर्वे करते हैं कि आप उस जगह पर काम करें। उसी कड़ी में ये इलाका वंचित था, पिछड़ा था, गरीब था और जिसके नुमाइंदगी करने वाले अभी वार्ड काउंसिलर मौजूद हैं, पूरा जलमग्न होता है। वैसे इलाके में जो जीना दुर्लभ था उनको कुछ राहत देने का काम किया, बहुत बड़ा काम नहीं किए हैं, थोड़ा राहत दिए हैं। आप बताइए, पूरे आप शहर में चले जाइए, हम लगातार इस मांग को कर रहे हैं। आरा की मुख्य समस्या ड्रेनेज है और ड्रेनेज जो है आजादी के बाद क्या कारण रहा है कि आरा शहर को ड्रेनेज से मुक्त नहीं कराया गया। ड्रेनेज जो है सिर्फ जो सर्किट हाउस और हरी जी के हाथा से जो है ना मामला चकाचक नहीं नजर आएगा, जो आरा का मेन जगह है। आप बताइए, जो कसीर आबादी पुरानी आबादी तो यही इलाका बस रही है, क्या कारण है कि ड्रेनेज नहीं बना, क्या कारण है कि हम लोग के ये पूरे इलाके में आप बताइए नाली जो है निकलने का रास्ता नहीं। हमने सदन से लेकर मुख्यमंत्री तक हंगामा किया और उसी का परिणाम है कि 6.5 करोड़ का प्रोजेक्ट ये नाला का जा रहा है। ठीक है, उसमें देरी हुई है, ठेकेदार जो है मर्डर केस में फंस गया, कुछ जो है काम जहाँ होता है पहले से जो है नाला चल रहा है तो कहीं अवरुद्ध करता है तो फिर खोलता है, फिर अवरुद्ध होता है फिर खोलता है, तो उसमें देर होती है। लेकिन जो जाने का रास्ता नाला का कहीं नहीं था उसको गिराने का हम संकल्प लिए थे और उसको आज़ादी के बाद ये पहला काम है जो इस काम को प्रोजेक्ट को कराए हैं। दूसरा, यहाँ चलना जा रहा है 9 ड्रेनेज जो है बनने जा रहा है शहर का, 4 जोन में बांटा गया, 7 जोन में, 4 जो है जाएगा गांगी में और 3 जाएगा जो है नहर में। 137 करोड़ का प्रोजेक्ट पास किया, ये नाला का है। आरा की रोड की समस्या आप बताइए, कहता है लोग कि विकास आरा का हुआ, हम जानना चाहते हैं। हम तो सदन में से लेकर माननीय जो आर के सिंह से भी हम चुनौती के रूप में हम उनको भी बताने का काम किया कि आप विकास करना चाहते हैं लेकिन जमीनी हकीकत को आज नहीं जान रहे हैं, इसलिए जमीनी हकीकत को हम आपके सामने रूबरू करना चाहते हैं कि ये पहला आरा शहर है जहाँ आरा का कोई भी रोड पीडब्ल्यू का नहीं, सब नगर निगम। नगर निगम जब नली गली साफ नहीं करा पा रहा है, उसके पास पैसा नहीं है तो ये रोडवा कैसे मेंटेन होगा? ये रोड जानते हैं मेंटेन क्यों नहीं हो रहा है? ये रोड नगर निगम का है और इसको डीएम से और तमाम लोगों से लड़ के 10 लाख दिलवाए थे तो मेंटेन हुआ था। तो ये मांग रहा है जैसे कि हम दे दिए तो बन गया, वो दे दिए तो बन गया, तो ये तो कोई मामला नहीं हुआ। हम चाहते कि इसका स्थायी निदान लिखे कि पीडब्ल्यूडी में ये टेक ओवर हो ये रोड, और इसलिए हमने स्क्रिप्टीनियर्स के से नगर निगम से नो ऑब्जेक्शन भिजवाया, पीडब्ल्यूडी से नो ऑब्जेक्शन भिजवाया, डीएम से नो ऑब्जेक्शन भिजवाया, उसकी फाइल पटना में पहुंच गई है और उस काम को अंतिम मुकाम तक हमने पहुंचा के रखा है। हम चाहते हैं कि रोड भी सर जमीन पर उतरे, अगर वो पीडब्ल्यूडी के होगा तो पीडब्ल्यूडी हमेशा मेंटेन करेगा। इसलिए हम लोग अपने निधि का उपयोग गरीब जो, और ये इसीलिए ये सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस का यही नारा है, हमारे नेता का भी है, लमानी नीतीश कुमार भी चाहते हैं, तो गरीब वंचित जहाँ है पहले ना वहाँ हो, इसलिए उस कड़ी में इसका काम हो रहा है। सर, आज भारतीय जनता पार्टी का एसबी कॉलेज में सर बैठक किया गया, कई छात्र संगठनों ने इसका विरोध किया है कि इस प्रकार का पार्टी विशेष कोई भी कार्यक्रम महाविद्यालय में नहीं होना चाहिए। देखिए, जब से महागठबंधन से माननीय नीतीश कुमार पलटैया मारे तो भारतीय जनता पार्टी से जब वो मिल गए तो भारतीय जनता पार्टी का तो जरूर जो है बजरंग दल और शिवसेना और तमाम जो लव जिहाद पर छेड़ते चलते हैं, जो रोटी सेक रहे हैं धर्म के और इसके राजनीति कर रहे हैं, तो उनको तो मौका मिला हुआ है। उस नाते खुली उन लोगों को हो सकता है प्रिंसिपल साहब भी उसी बजरंग दल से जुड़े हों, अब उनकी मानसिकता हो, इसलिए कि कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे सर्किट हाउस हो, जो सरकारी संस्थान है, बगैर परमिशन के कोई भी काम नहीं हो सकता है और उसका विधिवत परमिशन आपको लेना होगा उस कार्यक्रम करने के। अगर परमिशन नहीं दिए तो प्रिंसिपल जो है निलंबित, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, शोकज होना चाहिए। ये कोई किसी पार्टी का संस्था नहीं है, इसलिए वैसी जगहों पर अगर वो काम किए हैं बिना परमिशन के दिए हैं तो निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए।